भारतीय मजदूर संघ इकाई हमीरपुर द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष तिलकराज शर्मा ने की। बैठक में जिला के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में पुरानी पेंशन की बहाली और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने आदि विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। भारतीय मजदूर संघ इकाई हमीरपुर द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष तिलकराज शर्मा ने की। बैठक में पुरानी पेंशन की बहाली और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने आदि विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। अध्यक्ष तिलकराज शर्मा ने कहा कि आज भारतीय मजदूर संघ इकाई द्वारा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से सरकार से पुरानी पेंशन को तुरंत प्रभाव से बहाल करने की मांग के साथ ही साथ में पे कमीशन को तुरंत प्रभाव से लागू करना, आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्थायी नीति बनाने, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने तथा अस्थायी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की नीतियों के अनुसार कम से कम 18,000 रुपए वेतन दिए जाने की बात रखी। वही मांग उठी कि HRTC नई बसें खरीदे, आंगनबाड़ी व आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश सरकार के साथ भी बैठक हुई 7 अगस्त को, उसमें भी हमारा सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुई, लेकिन हम और इस बैठक के माध्यम से भी, जैसे कि हमारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करना, ये सबसे अहम मुद्दा जो है वो भारतीय मजदूर संघ खंड स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक इसको उठा रहा है। सबसे जो एक अहम हमारी बात रहेगी सरकार तक, राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक, कि पुरानी पेंशन को बहाल करना। बुढ़ापे में एक सहारा केवल मात्र पेंशन का होता है, लेकिन आज 2003 के बाद पेंशन की सुविधा नहीं है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल करें। साथ में जो हमारा सभी वर्ग जुड़े हुए हैं, इसे आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, टैक्स यूनियन, बैंक से लेकर के BSNL से लेकर के सभी जितने भी हमारे आर्थिक क्षेत्र हैं, वो सभी भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं और सभी की डिमांडों के बारे में, जैसे आंगनबाड़ी का मामला है तो हमारा मिनिमम वेजेस जो है वो 18,000 रुपया मांग करते हैं और उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इसी तरह जो आशा वर्कर हैं, आशा वर्कर का जो मानदेय है वो सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने बढ़ाया, तो इसमें जो और भी अनियमितता हैं, उसमें जो विसंगतियां हैं, उनको भी हम मांग करते हैं सरकार से कि वो उनको दुरुस्त करे। साथ में सबसे जो एक सरकार आउटसोर्सिस पे कर्मचारी को रख रही है, आउटसोर्सिस का मामला जो है वो इनके लिए कुछ स्थायी नीति नहीं है। आज लगभग 35,000 के करीब जो वो हिमाचल में आउटसोर्सिस कर्मचारी जो हैं वो रखे गए विभिन्न विभागों में, तो हम सरकार से मांग करते हैं, भारतीय मजदूर संघ विनम्र प्रार्थना करते हुए सरकार से निवेदन करता है कि आउटसोर्सिस कर्मचारियों के लिए जो है मुख्य स्थायी नीति बनाई जाए, ताकि उनका भविष्य जो उज्ज्वल हो, अपने परिवार को पाल सकें। इसी तरह जो है विभिन्न विभागों में जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों को भरा जाए। हर विभाग में जो है वो कर्मचारी जैसे रिटायर होता है तो उसमें नई अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं, अगर अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं तो वो आउटसोर्सिस भी हो रहे हैं, लेकिन आउटसोर्सिस के बाद भी उनका जो है वो स्थायी नीति नहीं बन रही है। कार्यक्रम में वक्त चलाए छोटे का ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।